नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 3 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में आज से होगा 15 साल से अधिक वालों का टीकाकरण। बिहार में आए कोविड-19 के 300 से ज्यादा मामले। पटना में सोमवार से 8वीं तक सभी स्कूल बंद। बिहार में 16,000 लोगों को मिलेगा उद्यमी योजना का लाभ। राहुल द्रविड़ ने किया पुजारा का समर्थन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में आज से होगा 15 साल से अधिक वालों का टीकाकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार बिहार समेत देश भर में आज से 15 साल से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण किया जाएगा। फिलहाल 15 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। सरकार के इस पहल के बाद बिहार के 23 लाख से अधिक किशोर और किशोरियों को मनचाहे टीकाकरण केंद्र और मनचाहे दिन को टीकाकरण कराने का टाइम स्लॉट आवंटित किया जा रहा है। पहले दिन टीके के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर किशोरों में उत्साह देखा गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो शनिवार को 11 बजे दिन में ही सोमवार के लिए सभी स्लॉट फुल हो चुके थे। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 जनवरी को 15 साल से ऊपर के लोगों के टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इन सब के बीच राहत की बात यह है कि अगर कोई किशोर किशोरी अपना ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा सकते हैं तो वो 3 जनवरी से टीकाकरण के लिए निर्धारित सेंटर पर पहुंचकर टीकाकरण करा सकते हैं। बिहार में आए कोविड-19 के 300 से ज्यादा मामले। बिहार में कोविड-19 के मामलों में लगातार उछाल जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 352 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 174 पर पहुंच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो बांका में 4, बेगूसराय में 4, भागलपुर में 1, भोजपुर में 3, बक्सर में 2, दरभंगा में 2, गया में 110, गोपालगंज में 1, जमुई में 6, जहानाबाद में 13, कैमूर में 1, खगड़िया में 6, किशनगंज में 1, लखीसराय में 7, मधुबनी में 2, मुंगेर में 13, मुजफ्फरपुर में 5, नालंदा में 2, नवादा में 2, पटना में 142, पूर्णिया में 2, सहरसा में 5, समस्तीपुर में 4, सारण में 3, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 2, सुपौल में 1, वैशाली में 3, वेस्ट चंपारण में 2 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अन्य राज्यों से आए 2 सैंपल की भी जांच की गई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 27 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार में अब कामगारों को मिलेगा पहचान पत्र। मुजफ्फरपुर फैक्ट्री में हाल ही में हुए हादसे के बाद बिहार सरकार ने राज्य भर के कामगारों के लिए बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत फैक्ट्री में काम करने वाले सभी कामगारों को हर हाल में परिचय पत्र दिया जाएगा। कंपनी में सभी कामगारों का अलग से विवरण भी होगा ताकि कृत्रिम या प्राकृतिक हादसा होने पर उनकी पहचान आसानी से हो सके। इसको लेकर कामगारों के बारे में पूरी जानकारी फैक्ट्री संचालकों को सरकार को भी देनी होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर हादसे के दौरान कामगारों की पहचान में काफी परेशानी हुई। फैक्ट्री में कामगारों का पूरा विवरण भी नहीं था। इसको देखते हुए श्रम संसाधन विभाग ने तय किया है कि अब कामगारों को पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा। इसमें पंजीकरण संख्या और नाम भी लिखा होगा। भारतीय तटरक्षक बल में निकली 322 नवीक यांत्रिक पदों की भर्ती। भारतीय तटरक्षक बल संघ ने अपने एक सशस्त्र बल के लिए नवीक सामान्य ड्यूटी, नवीक घरेलू शाखा और यांत्रिक के रूप में पुरुष उम्मीदवारों की भर्ती करने के लिए आवेदन की मांग की है। उम्मीदवारों को भारतीय तटरक्षक भर्ती के लिए 4 जनवरी 2022 से ज्वाइन इंडियन कोस्ट gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ICG नवी के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 जनवरी 2022 को बंद कर दिए जाएंगे। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास नाविक जनरल ड्यूटी के लिए काउंसलिंग ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त एजुकेशन बोर्ड से मैथ्स और फिजिक्स के साथ 12वीं पास होना चाहिए। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए काउंसलिंग ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 5 से 6 दिनों तक कोल्ड डे से राहत की नहीं है उम्मीद। नए साल की शुरुआत के साथ ही तेज पछुआ हवा और कुहासा से मौसम का मिजाज पूरी तरह बिहार का बदल गया है। कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूसा के आकलन के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 8 डिग्री नीचे चला गया है। अधिकतम तापमान 10 डिग्री के करीब है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 5 से 6 दिनों तक कोल्ड डे के हालात बने रहेंगे। वहीं पूर्वानुमान इस बात का भी है कि पश्चिमी विक्षोभ और पछुआ हवा के कारण पारा 6 डिग्री तक लुढ़क सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अधिक नमी और सामान्य से कम तापमान की वजह से जिले में मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। गौर करने की बात यह है कि नए साल के पहले दिन मौसम का कम देखा गया है। इसके बाद से ही लोगों को ठंड ज्यादा महसूस होने लगी है।
में सोमवार से 8वीं तक सभी स्कूल बंद। बिहार में बढ़ते ठंड के कारण स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत राजधानी पटना में सोमवार से 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी हुआ है। इसको लेकर डीएम चंद्रशेखर ने बताया है कि बढ़ती ठंड के प्रकोप के कारण यह निर्णय लिया गया है। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद करने का निर्देश है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नए साल के शुरुआत के साथ ही पटना में शीतलहर को देखते हुए पटना के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा है कि हाल ही के दिनों में बढ़ी हुई ठंड बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। इसी को देखते हुए 8वीं तक के बच्चों के स्कूल 8 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बिहार के कई शहर में तापमान में लगातार गिरावट जारी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 10 दिनों तक पटना में कड़ाके की ठंड रहेगी। बिहार में 16,000 लोगों को मिलेगा उद्यमी योजना का लाभ। बीते दिन मौर्य होटल में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि 16,000 लोगों को उद्यमी योजना का लाभ आने वाले समय में मिलने वाला है, क्योंकि जल्द ही उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए और बिहार वासियों को प्रदूषण से मुक्ति और महंगे पेट्रोल से छुटकारा दिलवाने के लिए ई बाइक की फैक्ट्री लगाने को लेकर बीएसएस मोटर कंपनी के साथ प्रेस वार्ता कर कोई अच्छा परिणाम आने के संकेत दे चुके हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत मेहनती है और साथ ही अनुभवी भी है। मैंने उनके साथ केंद्र में काम किया है। नीतीश हमारे कैप्टन है, लेकिन खेलना सभी को है। मैं भी टीम का एक खिलाड़ी हूं। बिहार मैन्युफैक्चरिंग का हब जरूर बनेगा। हालांकि यह टास्क बड़ा है, बड़ी बड़ी कंपनियों से बात चल रही है। गोपालगंज में जो प्लांट बन रहा है, जिसका उद्घाटन जनवरी में ही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की होगी पहचान। बिहारवासियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच अभियान में भी अब संभव होने वाली है, क्योंकि पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कोविड-19 संक्रमितों के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग जांच शुरू कर दी गई है। अब ओमिक्रॉन के जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए दिल्ली से रिपोर्ट आने का पॉजिटिव मरीजों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद IGIMS में यह जांच रविवार से शुरू हो गई है। इसके लिए सबसे पहले 25 सैंपल की सिक्वेंसिंग शुरू की गई। अब 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी। इससे पहले सैंपल पटना से दिल्ली के NCDS लैब में भेजा जा रहे थे। बिहार के 27 शिक्षकों से होगी वसूली। बिहार में फर्जी शिक्षकों को लेकर कोर्ट अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। यही कारण है कि बिहार शरीफ के जिला शिक्षा विभाग में लंबित मामलों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई करने को कहा है, जिसके ही परिणाम स्वरूप 27 शिक्षकों के वेतन के रूप में लिए गए करीब 2.25 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश जारी कर दिया गया है। इसको लेकर राज्य अपीलीय प्राधिकार के जज ने उन्हें पहले उन लोगों की नौकरी खत्म करने का आदेश दिया। अब दिए गए वेतन की वसूली का फरमान जारी किया गया है, वो भी थोड़ा थोड़ा करके नहीं, बल्कि संबंधित शिक्षकों से एक मुश्त राशि वसूली का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही संबंधित शिक्षकों से ली गई वेतन राशि की वसूली के लिए स्थापना DPO पूनम कुमारी ने बिहार शरीफ के BDO अंजना दत्ता को पत्र लिखकर आदेश जारी कर दिया है। बिहारी पहचान में हम बात करेंगे कीर्ति आजाद की। कीर्तिवर्धन भागवत झा आजाद का जन्म 2 जनवरी 1959 पूर्णिया बिहार भारत में हुआ था। कीर्ति आजाद एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने 7 टेस्ट और 25 वनडे खेले हैं। श्री आजाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के पुत्र हैं। वो एक आक्रामक दाएं हाथ के बल्लेबाज और एक ऑफ स्पिनर है। श्री झा 1983 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। वो वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में दरभंगा बिहार से जीत दर्ज की है। बिहार के 3.25 लाख लोगों का विदेश जाने का है सपना। बिहार से विदेश जाने वालों की चाहत रखने वालों की तादाद कोविड-19 के माहौल से कम आने की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि यह पहले से तो कम है, लेकिन फिर भी लगभग 2,70,438 लोगों का पासपोर्ट साल 2021 में जारी किया गया है, जबकि 2,50,262 लोगों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, जिसकी जानकारी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना की तरफ से दी गई है। इससे विभाग को लगभग 45 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। कोविड-19 के कारण पासपोर्ट आवेदकों की संख्या में पहले के वर्षों के मुकाबले काफी गिरावट देखने को मिली है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ताविशी बहल पांडे की माने तो दूर दराज से आने वाले आवेदकों के लिए पटना और दरभंगा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अलावा बिहार के 34 जिलों के मुख्य डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत की गई थी। उन केंद्रों में भी गत वर्ष के मुकाबले 2021 में आवेदकों की संख्या काफी कम रही, जबकि लॉकडाउन के दौरान भी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना में लंबित मामले का निपटारा किया गया था। सोमवार को सीएम नीतीश का जनता दरबार। हर सोमवार की भांति आज भी सीएम नीतीश कुमार जनता दरबार में फरियादियों की शिकायतों का निपटारा करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान भूतत्व विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित शिकायतों को सुनेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के जनता दरबार में संबंधित विभागों के आलाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सुनवाई के दौरान सीएम नीतीश लोगों की समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान करने की कोशिश करेंगे। इस बार जनता दरबार का कार्यक्रम मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद के ठीक बगल में बनाए गए हॉल में हो रहा है। यहां पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बिहार
के मुंगेर जिले के भीमबांध अभयारण्य में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो मुंगेर में भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य की रोमांचक सैर का आनंद ले सकते हैं। लगभग 682 वर्ग किलोमीटर में फैला यह वन्य क्षेत्र प्रकृति प्रेमी और जंगल एडवेंचर के शौकीनों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इस अभयारण्य से एक पौराणिक किंवदंति भी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि यहाँ कभी पांडव राजकुमार भीम ने एक बांध बनाया था, इसलिए इस वन्य क्षेत्र का नाम भीम बांध पड़ा। बिहार की खड़गपुर पहाड़ियों के ऊपर स्थित यह वन्यजीव अभयारण्य असंख्य जीव वनस्पतियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने का काम करता है। जंगली जानवरों में आप यहां तेंदुआ, वन मुर्गी, नील गाय, बाघ, चीतल और सांभर आदि देख सकते हैं। इनके अलावा आप यहां विभिन्न पक्षी प्रजातियों को देखने का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यह अभयारण्य जमुई जिले से जुड़ा हुआ है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 6 जनवरी तक करवाएं एडमिशन। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा मौका लाया है, जिसके तहत जो भी छात्र छात्रा अब तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनको एक बार फिर से मौका मिलेगा। स्नातक पार्ट 1 सत्र 2021-2024 में लगभग 13,000 सीटों पर अब महाविद्यालयों में सेल्फ स्पॉट एडमिशन कॉलेज के द्वारा होगा। जिन छात्र छात्राओं का अभी तक नामांकन नहीं हुआ है वो सभी छात्र छात्रा किसी भी कॉलेज में नामांकन करा सकते हैं। साथ ही अपना डॉक्यूमेंट और पेमेंट रिसिप्ट ले जाकर रिक्त सीटों पर कॉलेज में नामांकन करा सकते हैं, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है और 6 जनवरी रात 10 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा, जहां पर छात्र एडमिशन करवा सकते हैं। पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा को दी गई विदाई। बिहार के कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। पुराने अधिकारियों को विदाई और नए अधिकारियों के योगदान का सिलसिला जारी है। इसी के तहत बीते दिन उपेंद्र शर्मा को पटना पुलिस लाइन से विदाई दी गई। इसके तहत उपेंद्र शर्मा शाहबाद रेंज के डीआईजी बनाए गए हैं। विदाई समारोह में पटना के सिटी एसपी, डीएसपी, सर्जेंट मेजर समेत सैकड़ों पुलिसकर्मी और यूनियन के अध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान समारोह के एसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने पटना पुलिस लाइन में मौजूद सभी पुलिसकर्मियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। विदाई समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए उपेंद्र शर्मा ने बताया है कि करीब 2 साल तक उन्होंने अपनी सेवा पटना एसएसपी के रूप में दी, जो कि एक यादगार लम्हा रहा है। ने संगठन की मजबूती के लिए दिया टास्क। नया साल आते ही जदयू कार्यालय में हलचल बढ़ गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साल के दूसरे ही दिन सभी विधायकों को पार्टी कार्यालय बुलाया और एक एक करके सभी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती के लिए टास्क दिया है। सभी विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में 10 सक्रिय कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम दिया गया है। पार्टी की तरफ से इस पर समीक्षा भी की जाएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान विधायकों ने मुलाकात के बाद कहा कि संगठन की मजबूती के लिए ही बातचीत हुई है। जदयू में कुल 45 विधायक है और सभी को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पटना पार्टी कार्यालय में विशेष रूप से बुलाया था। इस दौरान आगे क्या कुछ करना है इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिहार के गांव में राज्य सरकार की नाकामी बताएगी कांग्रेस पार्टी। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विभिन्न जिलों में घूम घूम कर समाज सुधार अभियान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी गांव में राज्य सरकार की नाकामी को बताने वाली है। इसको लेकर बीते दिन भागलपुर के विधायक और बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने अपने आवास पर मेरे प्रयास पुस्तिका का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुस्तक सबों के बीच जल्द ही होगी, जनता ये देख सकेगी कि भागलपुर और उसके आसपास के जिलों के लिए किन किन बिंदुओं पर विधायक अजीत शर्मा ने आवाज उठाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 से 20 जनवरी के बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जो कि पीड़पैंती से शुरू होगी। आपको बता दें, इस यात्रा के माध्यम से भाजपा के कामों में कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी लोगों को दी जाएगी। साथ ही नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का प्रयास भी किया जाएगा। विशेष राज्य का दर्जा, बिहार का अधिकार। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग बीते कई दिनों से लगातार सुनने में आ रही है। इन सब के बीच जदयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी बीते दिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि केंद्र की अधिकतर शर्तों को बिहार पूरा करता है। ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना सूबे का अधिकार है। बिहार के विकास के लिए स्पेशल स्टेटस जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में एनडीए गठबंधन के अंदर कभी भाजपा इस मुद्दे पर किनारे है। हाल ही में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के एक बयान से ही मुद्दा छिड़ा तो सीएम नीतीश कुमार ने खुलकर आवाज बुलंद की थी पुराने, और उन्होंने साफ किया था कि बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग उनकी पुरानी है और बिहार को मजबूत और प्रदेश के विकास के लिए ये मांग पूरी होनी चाहिए। तेजस्वी से ट्यूशन में बिहार में थर्ड डिवीजन वाली पार्टी के नेता। झारखंड के शिक्षा मंत्री द्वारा 54 साल की उम्र में इंटर की परीक्षा देने की बात को बिहार की सत्ताधारी जदयू ने राजद पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल किया है और तेजस्वी का नाम लिए बगैर उनसे कुछ सीखने की नसीहत दी है, जिसके बाद अब राजद की तरफ से भी इस पर पलटवार हुआ है, जिसके तहत राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जदयू के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, जबकि बिहार की जनता ने कम उम्र में भी तेजस्वी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी राजद को इतना समर्थन दिया है। जदयू के नेता को इसे सीख लेना चाहिए। बिहार में तीसरी नंबर की पार्टी के लोग आज जिस तरह तेजस्वी यादव को लेकर बात कहते हैं वो गलत है। ऐसी बातों से जनता समझ रही है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं। आज बिहार का क्या हाल है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है, अपराध कितना है, इस पर ध्यान नहीं है, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं।
ओमिक्रॉन ज्यादा घातक नहीं। दुनिया में सबसे तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट आम लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि यह वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, जो लोगों के मन में डर भी बिठा गया है। हालांकि इन सबके बीच एक शोध में राहत भरी खबर सामने आई है। हाल ही में किए गए शोधों के हवाले से मीडिया में यह जानकारी दी गई है कि दुनिया में सबसे तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट फेफड़ों को अधिक निशाना नहीं बना रहा है, जिसकी वजह से यह कम घातक है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बताया गया है कि चूहों और अन्य जीवों पर किए गए शोध अध्ययन से पता चला है कि यह वेरिएंट फेफड़ों को कम नुकसान करता है और इसका अधिकतर असर नाक, गले और श्वास नली तक की ही रहता है। इससे पहले वाले कोविड 19 वेरिएंट फेफड़ों में जख्म बनाकर सांस लेने की प्रक्रिया को बुरी तरह प्रभावित करते थे और इससे उनकी सिकुड़ने और फैलने की क्षमता समाप्त हो जाती थी। राहुल द्रविड़ ने किया पुजारा का समर्थन। भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आज खेले जाने वाले दूसरे मुकाबले से पहले धाकड़ बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के फोन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पुजारा को आने वाले मैच में भी मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें अपनी बल्लेबाजी पर काम करने की जरूरत है। वो खुद ज्यादा रन बनाने चाहेंगे, उनका स्टैंडर्ड काफी हाई है और ऐसे में उनके लिए मुश्किल हो रही है, लेकिन ज्यादा चिंता की बात नहीं है, इस तरह की सिचुएशन में खेलना मुश्किल होता है। उन्होंने मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान आगे कहा कि जब आप लंबे वक्त तक खेलते हैं तो आपके साथ करियर में होता है कि आप बढ़िया खेल रहे हो, लेकिन आप बड़ा स्कोर ना बना पाए सिर्फ एक पारी की बात है, जब बड़ा स्कोर भी आएगा। ऐसे में ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, मैंने भी अपने करियर में ऐसी कई पारियां खेली हैं जहां मैं अच्छी शुरुआत की थी और बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाया। हर कोई चाहता है कि आप बड़ा स्कोर करें। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में पौष मेला का उद्घाटन 1894 में किया। महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन ने 1929 में मिले थे। शांति निकेतन में ब्रह्मचारी आश्रम 1901 में खुला। देश के पहले मौसम विज्ञान रॉकेट मेनका का 1968 में प्रक्षेपण हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू और राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। बर्मा अब म्यांमार में संविधान को 1974 में अंगीकार किया गया। 12वीं सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस्लामाबाद पहुंचे। प्रसिद्ध भारतीय राजनेता जसवंत सिंह का 1938 में जन्म हुआ। बॉलीवुड अभिनेता संजय खान का 1941 में जन्म हुआ। 1972 में लेखक और नाटककार मोहन राकेश का निधन हुआ। 2001 में भारत के प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन का निधन हुआ। अब व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे होटल और रेस्टोरेंट। अब व्हाट्सएप पर ही आपको होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों की जानकारी मिल जाएगी। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप यूजर के लिए एक नया सर्च फीचर जारी कर रहा है। इसके जरिए आप अपने आसपास मौजूद बिजनेस को सर्च कर सकेंगे। WABT.info की रिपोर्ट के मुताबिक नया फीचर ब्राजील में कुछ चुनिंदा यूजर के लिए जारी किया गया है, जो जल्द ही बाकी लोगों के लिए भी उपलब्ध हो सकता है। फीचर के जरिए यूजर होटल, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी और क्लॉथिंग स्टोर्स जैसे जगहों को व्हाट्सएप पर ही सर्च कर सकेंगे। ये एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए जारी किया जाएगा। WABT.info ने बताया है कि जब आप व्हाट्सएप के भीतर कुछ सर्च करेंगे तो बिजनेस नियरबाय का एक नया सेक्शन दिखाई देगा। यहां आपको एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी जिसके मुताबिक रिजल्ट आ जाएंगे। पुष्पा ने केवल हिंदी वर्जन से ही कमा लिए इतने करोड़। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज की धुआंधार कमाई हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शाहिद कपूर की जर्सी और मेगा बजट फिल्म RRR को टाल दिया गया है। वहीं 83 के गिरते कलेक्शन के लिए कोरोना को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच ही अल्लू अर्जुन की फिल्म न केवल शानदार बिजनेस कर रही है, बल्कि रिलीज के 16वें दिन भी कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है। मूलतः तेलुगु में बनी पुष्पा को हिंदी क्षेत्र में भी जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। पुष्पा ने ओपनिंग डे पर 3.33 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म ने रिकॉर्ड बनाते हुए बीते शनिवार को सबसे ज्यादा 6.10 करोड़ की कमाई की। हिंदी वर्जन में अब तक कुल 56.69 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। ये जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 2 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,560 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,090 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,700 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शाहजहां खातून, ईशा कुमारी, रॉस अरफरोज आलम, अनुष्का महतो, विकास प्रजापति, अविनाश कुमार पंडित, शंकर मुखिया, आनंद कुमार, कमलेश कुमार, कौशल्या कुमारी, चंद्र पासवान, आलोक जैक ऑफिशियल, रियाज अहमद, रविराज। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में जीत के साथ भारतीय टीम क्या बढ़त बनाने में सफल हो पाएगी या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।